तो मेरा निवेदन यह है कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा छात्रवृत्ति को क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है, क्या बढ़ाने का विचार है? माननीय अध्यक्ष महोदय, बालिका शिक्षा के लिए 8 योजनाएं संचालित हैं, जिसमें गार्गी पुरस्कार योजना है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा में जो बच्ची 75% नंबर से अधिक लेके आती है उसको 11वीं और 12वीं में 3,000 रुपये हम देते हैं। दूसरी योजना है बालिका प्रोत्साहन योजना, इसके अंदर जो 12वीं में कला वाणिज्य और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में 75% या इससे अधिक अंक जो बच्चियां लेके आती हैं उनको 5,000 रुपये हम देते हैं और प्रमाण पत्र उसको देते हैं। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना है, वो जो 8वीं 10वीं और 12वीं की जो टॉपर बच्चियां हैं, 8वीं की 8 बच्चियों को, सभी वर्गों की एक एक बच्ची को 40,000, 10वीं की 8 बच्चियां जो कि सभी वर्गों की है उनको 75,000, और 12वीं की 3 वर्गों के अंदर कला वाणिज्य और विज्ञान की जो 8 कैटेगरी है उनकी बच्चियों को 1,00,000 और स्कूटी सरकार की तरफ से हम देते हैं। चौथी योजना है मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना, जो सरकारी स्कूल को जिले में 2 प्रथम जो टॉपर बच्चियां हैं और 1 प्रथम वो बच्ची जो अनाथ है और 1 टॉपर वो बच्ची जो BPL है, ये 4 बच्चियों को हम 1,15,000 रुपए 11वीं और 12वीं के लिए देते हैं और उसके बाद PG तक 2,25,000 रुपए हर साल उन बच्चियों के लिए हम देते हैं। फिर है आपकी बेटी योजना, इस योजना के अंतर्गत जो BPL के परिवार हैं उनकी बच्चियों को 1 से 12 में जो पढ़ रही हैं उनको 1 से 8 तक के में 2100 रुपए और 9 से 12 तक जो पढ़ रही हैं उनको 2500 रुपए हम सरकार की तरफ से देते हैं। एक जो शारीरिक असक्षम जो बच्चियां हैं उनको हम 1 से 8 तक 2,000 रुपए और 9 से 12 तक 5,000 रुपए हम देते हैं। मूक बधिर और नेत्रहीन को भी इसी प्रकार से 2,000 रुपए और 9 से 12 में 5,000 रुपए हम देते हैं। और जो बच्चियां राजस्थान के 10वीं की मेरिट में आती है पूरे राजस्थान के अंदर 3 पायदान के ऊपर, उन बच्चियों को अगर वो विदेश जाना चाहते हैं तो 12वीं के बाद में 4 साल के लिए 25-25 लाख रुपए यानी कि 1 करोड़ रुपए की सहायता राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। सारी योजनाएं राज्य सरकार की। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो इतना ही निवेदन था मंत्री जी से पूछने का कि इस महंगाई के जमाने में जब महंगाई इतनी मुंह फाड़ रही है तो क्या इन बच्चों को पढ़ाने के लिए इनके लिए छात्रवृत्ति को बढ़ाने का विचार क्यों नहीं है सरकार का? यदि छात्रवृत्ति बढ़ेगी तो बच्चे पढ़ेंगे। अब आप इतनी रेवड़ियां बांट रहे हैं तो थोड़ा सा इन बच्चों को और दे दो, ठीक रहेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपन पता नहीं छात्रवृत्ति बढ़ाएंगे, फिर लोगों की तनख्वाह बढ़ाएंगे, फिर आमदनी बढ़ाएंगे, ये सारे काम करने की बजाय आप मोदी जी से कहो ना महंगाई कम कर दे जो पूरे देश की जनता को राहत मिल जाए। बिल्कुल 511 प्रश्न स्थगित किया गया, जो प्रश्न जिसमें माननीय सदस्य आए श्रीमती शोभा।